मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की मोहनगढ़ तहसील के 102 वर्षीय वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगवान दास दुबे ने चंदेली कालीन तालाबों को नहर के पानी से भरने की लगाई प्रशासन से गुहार, जिसमें आसपास के गांव के कई किसानों को मिला साथ। वर्षों से सूखे की चपेट में आ रहा है, जिसको देखते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगवान दास दुबे की विशेष पहल पर नदी से तालाब जोड़ो योजना के तहत जामनी नदी पर हरपुरा के पास एक नहर के माध्यम से मोहनगढ़ तहसील के करीब 13 तालाबों को जोड़ा गया था, जिससे सूखा की स्थिति में इस नहर से इन तालाबों को भरा जा सके। क्योंकि मोहनगढ़ तहसील में लगभग 75% कृषि चंदेल कालीन तालाबों की नहरों के पानी से कृषि की सिंचाई होती है। इस नहर के निर्माण में शासन ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे, जिससे इस तहसील में सूखा की स्थिति उत्पन्न ना हो, मगर इस वर्ष मोहनगढ़ तहसील में वर्षा बहुत कम हुई है, जिससे लगभग इस तहसील के समस्त तालाब खाली पड़े हुए हैं। अगर हरपुरा नहर को नहीं खोला गया तो आने वाली गेहूं की फसल भी बुआई इस क्षेत्र में नहीं होगी, जिससे इस तहसील के समस्त ग्रामों में पलायन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री भगवान दास दुबे आयु 102 वर्ष ने कहा है कि प्रशासन अगर शीघ्र अति शीघ्र इस नहर को खोलकर मोहनगढ़ तहसील के समस्त चंदेली कालीन तालाबों को नहीं भरा गया तो मैं अनशन तथा आंदोलन करने के लिए बाध्य होऊंगा। कृषक राज बहादुर सिंह गो ने कहा है कि अधिकारी इस नहर को खोलने की ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में पर्याप्त वर्षा होने से जामनी नदी का पानी निकलकर वेस्टेज हो रहा है, जबकि इस पानी से हरपुरा नहर का फीटर खोलकर मोहनगढ़ तहसील के समस्त तालाबों को भरा जा सकता है। अगर प्रशासन 8 दिवस के अंदर हरपुरा नहर खोलकर इन तालाबों को नहीं भरता है तो मोहनगढ़ तहसील के किसान आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और इसके जिम्मेदार जिला प्रशासन व मोहनगढ़ तहसील प्रशासन एवं सिंचाई विभाग होगा। मोहनगढ़ से कैमरामैन अनुराग सेन के साथ अवधेश शुक्ला की रिपोर्ट। उन्होंने मिलके नदी तालाब जोड़ो योजना के लिए निरंतर संघर्ष किया, जिले के लोगों ने उनका साथ दिया। हरपुरा से मोहनगढ़ तक जो नहर बनाई गई है, निश्चित रूप से उस समय सरकार की मंशा ये थी कि जितने भी चंदेल कालीन तालाब टीकमगढ़ की मोहनगढ़ तहसील, पृथ्वीपुर के विभिन्न तालाब जैसे जेरोन, भीमसागर, नंदनवारा, इन सबको भरने का उसमें निर्धारित कार्यक्रम किया गया था। दुबे जी का इसमें बड़ा प्रयास रहा है और निश्चित रूप से हम सब मिलके उनके उस प्रयास को पूर्णतः सफल बनाने के लिए संघर्ष करेंगे, हर परिस्थिति में करेंगे। और ये नहर नहीं से यहाँ सूखा है पूरी, आपने यहाँ क्षेत्र में देखा है, हम भी किसान हैं। एक दाना हमारे यहाँ फसल के नाम पे होने की उम्मीद ही नहीं, इतनी सूखा पड़ी है यहाँ। थोड़ा बहुत पानी अभी गिरा है, खेतों में थोड़ी बहुत घास हरी भरी दिख रही है, बाकी तो ना उड़दा है, ना तिली है और ना मूंग है, कोई भी किसी भी प्रकार की जिन्स जो है अनाज के मामले में है नहीं। तो यहाँ जो है गंभीर भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, किसान पलायन करेंगे। वैसे भी टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना ये पलायन करते ही रहता है दिल्ली विल्ली के लिए, इसीलिए कोरोना की आवक भी इस पूरे क्षेत्र में हो गई है। हम जिला प्रशासन कलेक्टर से स्वयं मिलेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के आदमी नहीं कि पानी दिखा चाहे वो बरसात का हो उस नाले में, अरे सब में गया, मैंने निर्देश दिया। जिन्होंने ऐसी बात लिखी है फेसबुक पे, हमने देखा है उसको, ऐसे लफंगे लोग, उन्हें निर्देश, सरकार को निर्देश या सरकार के अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश देने का हमें कोई पावर है क्या? अरे भाई हम निवेदन करेंगे, हम किसान हैं, अपनी मांग करेंगे, आंदोलन करेंगे, अच्छे नहीं सुनेंगे, उनको सुनना ही पड़ेगा। हम सारे रुख अख्तियार करेंगे, पर हम भाजपा जैसे आदमी नहीं कि हमने निर्देश दे दिए है सिंचाई विभाग के लोग। कुछ किसानों ने ऐसे कहा है कि अगर 15 दिन के अभी 2-4 दिन में नहर खुलती है तो 15 दिन में तालाब भर सकते हैं, इसके बाद गेहूं की, सरसों की, अन्य चीज़ों की बुआई होगी, तो नदी पे लोग बाग मोटरें रख लेते हैं तो फिर नहर से पानी नहीं आ सकता। देखिए सुनबाहा के आसपास जो समुदाय है
अभी चालू कर दो, वहां पे उस नहर की सुरक्षा की आवश्यकता है, इसलिए कि वहां के कुछ खेत दलदल में तब्दील हो जाते हैं, इसलिए वो लोग नहर को तोड़ ताड़ के और उसका पानी जामनी नदी में ही वापस भेज देते हैं। वहां उसकी सुरक्षा होना चाहिए, और अगर ये तालाब 15 दिन के अंदर नहीं भरे जाते हैं, नहर चालू नहीं की जाती है, तो यहाँ एक भी दाना गेहूं या अन्य किसी भी प्रकार की, चाहे वो सरसों हो, चाहे जवा हो, चाहे कोई भी हो, ये होने की उम्मीद है ही नहीं। सरकार से हमारा ये निवेदन है, यहाँ के सारे किसानों के बिजली के बिल माफ करें, उनको यहाँ सूखा राहत के रूप में तत्काल राहत दें। जो अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं, वो यहाँ आके देख लें पहले। मेरा कहना ये है कि तहसील के प्रमुख अधिकारी होते हैं तहसीलदार महोदय, क्या उनका इस ओर ध्यान नहीं जा रहा? देखिए, अच्छे अधिकारी हैं, अब उनको गुमराह करने वाले लोग भी लगे हैं। वो ये नहीं जानते कि इस खेत में कोई उड़द की फसल है या तिली की फसल है। उनको तो हरा घास दिख गया तो वो कहते साहब फसल होगी, अनावारी लिखना चाहिए। हमें पता है कि ये अनावारी अभी नहीं लिखी गई होगी, और लिखी भी जाएगी तो गड़बड़ झाला लिखी जाएगी। अभी हम एक दिन फेसबुक पर देख रहे थे, मोहनगढ़ में 860 मिलीमीटर वर्षा हुई। अरे कहाँ हुई, जरा दिखा दें कहाँ लगा वो यंत्र। यहाँ किसानों से, यहाँ जमीन खोदो आप, जमीन एक फीट से ज़्यादा कहीं गीली निकलेगी ही नहीं, और वो भी सूख गई, 3-4 दिन का ये काम हो गया। अभी आप खोद के देख लो, कलेक्टर साहब आके खोद के देख लें, यहाँ के जो कंस मामा है मध्य प्रदेश के, वो भी आके यहाँ पे खोद के देख लें, और बताइए। ये सारी स्थिति है, इसलिए जय जवान जय किसान, हम किसान हैं, और 15 दिन के अंदर अगर प्रशासन ने नहर चालू नहीं करी, तालाब नहीं भरे, तो ईंट से ईंट बजाने के लिए हम भगवान दास जी दुबे के जो संकल्प हैं उनको पूरा करने के लिए, अपने प्राणों की भी आहुति देने के लिए हम सब किसान तैयार रहेंगे। इसी के साथ जो है, और आपको जो पूछना हो पूछिए, फिर जय जवान जय किसान। बारे में ये कहना है हमारा कि जो हरपुरा नहर है, इससे कई तालाबों में पानी भरा जाता है, और जब नदियों में पानी खाली हो जाएगा फिर क्या भरेंगे तालाब? हमारे पूरे तालाब खाली पड़े हुए हैं, हम लोग मजदूरी करने बाहर जाने पड़ेगा, क्योंकि तालाब से ही सिंचाई की जाती है, और कुओं का जलस्तर काफ़ी नीचा है, आ ही नहीं है कुओं में पानी, और जो भी हरपुरा नहर से पानी आएगा उससे ही सारा जीवन हम लोगों का व्यतीत कर पाएगा, क्योंकि तालाब से ही खेती होती है, और तालाब अगर खाली है तो फिर यहाँ तो कोई खेती का और दूसरा। आप लोगों ने अधिकारियों से मांगनी की कि नहीं मरतबा को खुला जाए, कई मरतबा मौखिक कहा और आला अधिकारियों के लिए अवगत भी कराया, पूरा माह जे भी निकल गया अगस्त का, और जैसे सितम्बर चल रहा है अभी भी अब तालाब पूरे खाली पड़े हुए हैं। हमारा मोहनगढ़ क्षेत्र की सिंचाई के साधन तालाब हैं, और जब हमारे यहाँ सूखा पड़ती थी तो सिंचाई नहीं हो पाती थी, लेकिन हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानी श्री दुबे जी के द्वारा एक पहल की गई, उनकी पहल पर हरपुरा नहर का निर्माण कराया गया था, जिससे मोहनगढ़ तहसील तथा जिला के अन्य तालाबों को भरा जा सके सूखा के समय में। मगर इस वर्ष मोहनगढ़ तहसील में सूखा है और हरपुरा नहर को नहीं खोला गया है, और अगर उसको नहीं खोला जाता तो किसानी कैसे होगी? जो हरपुरा नहर मोहनगढ़ तालाब एवं अन्य तालाबों में आती है, उसका पानी मोहनगढ़ तालाब एवं अन्य तालाबों में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इसके लिए जो प्रशासनिक अधिकारी है वो जिम्मेदार है, ना तो उसके लिए देखने के लिए जाते हैं कहाँ कैसा क्या अप्रोच है, और ना ही उनमें कोई इंटरेस्ट है। कई बार SDOP और इसे सारी लोगों से बात की गई, SDO से जल विभाग की, उन्होंने कहा है देखेंगे, जब देखेंगे वो जब समय निकल जाएगा बोनी का। इसलिए किसान स्थिति में हो गया है, सुबह की स्थिति में, कि वो अपनी जीवन यापन भी नहीं कर पा रहा है, बहुत गंभीर स्थिति है। इसलिए शासन को इसको देखना चाहिए, ताकि नहर के मॉनिटरिंग कराना चाहिए, कहाँ फूटी है क्या है, जिससे कि सारे तालाब भर सकें और किसानों की सिंचाई हो सके। अगर किसानों की सिंचाई नहीं हुई तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। ये तालाबों के बारे में अभी बीच में एक दिन कलेक्टर से मिले थे, लेकिन इस बारे में
साधारण तौर पर कहा, जिस तरह से हमें उनको कहना चाहिए था वो नहीं कह सके हैं, पर ये पानी जो है नदी में हो करके समुद्र में चला जाता है, जबकि वहाँ हरपुरा फीडर पर वो बना हुआ है, उसे अगर ठीक से रोक दिया जाए तो हरपुरा से लेकर के और कुमेड़ी तक 13 तालाबों के लिए पानी पूरी तरह पर्याप्त हो जाएगा। और यहाँ 13 तालाबों कम से कम 50 गांव के लिए पानी इससे हो सकता है, लेकिन इससे इसमें कहा नहीं है, लेकिन हम कलेक्टर से दूसरे हम चीफ मिनिस्टर से कहेंगे, हमारे दमन इसमें मध्य प्रदेश शासन में ओपी रावत साहब बड़े सेक्रेटरी हैं, उनसे भी कहेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा सर। लेकिन दादा आपके जो सपने थे कि तालाबों का भरा जाए सूखा के समय में, लेकिन अधिकारियों की मिली भगत से आपके सपनों पर पानी फिरा जा रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? आपके जो सपने थे कि आपके मोहनगढ़ तहसील के सारे तालाबों को भरा जाए, लेकिन जो आज अधिकारी हैं उनके द्वारा आपके सपनों पर पानी क्यों फिरा जा रहा? नहीं, ये जो अधिकारी हैं जी, ये देश के लिए हितैषी नहीं है, ये देश के दुश्मन है। मैं आपको बताऊं, हम डरते नहीं हैं इसके लिए, और अगर जरूरत पड़ी तो हम अनशन भी करेंगे उनके खिलाफ। लेकिन अभी एक दिन हम मिले थे कलेक्टर से, थोड़ा सा कहा, उन्होंने कहा हम देखेंगे, लेकिन अब अभी 3-4 दिन पहले की बात है, लेकिन अब नहीं है तो फिर जा कर के उनसे कहेंगे कि हम धरना धरते हैं, अनशन करते हैं। और जब ये पानी हमने उत्तर प्रदेश के लोगों से बात की थी, हमारा परिचय है, तो वो ये कह रहे थे कि अगर हरपुरा पर पानी कम है तो हम उत्तर प्रदेश से और उसी हरपुरा वाले नदी में पानी बढ़ा देंगे, ये तक उन्होंने कहा था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।